रश्मि स्वीट्स में आपका स्वागत है। मेरी ज्यादातर रेसिपीज कुकिंग के शौकीनों के लिए होती है। इनमें बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत पड़ती है, परंतु जो लोग अकेले रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, मैस या टिफिन का खाना खाते हैं, उन्हें कुछ ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है जिनमें ज्यादा ना सामान हो और ना ज्यादा बर्तनों की जरूरत पड़े और वो आसानी से भी रेडी हो जाए, साथ ही साथ उनका टेस्ट भी चेंज हो जाता है और अपने हाथ से कुछ खाना बनाने का शौक भी पूरा हो जाता है। इसी क्रम में मैं आजकल आपके लिए कुछ ऐसी रेसिपीज लेकर आई हूँ जो आप राइस कुकर में आसानी से तैयार कर सकते हैं। इससे पूरी कुकिंग गैस, इंडक्शन, कुकटॉप और साथ ही साथ बर्तन रखने के झंझट को खत्म करती है। इन रेसिपीज का लिंक आप मेरे चैनल की राइस कुकर रेसिपीज की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज मैं आपके साथ इस बात पर चर्चा करूंगी कि अगर आप हॉस्टल में रहते हैं या पूरी किचन ना रखते हो, मैस या टिफिन का खाना खाते हो और उससे ऊब गए हो, तो ऐसी कौन सी चीजें तैयार कर सकते हैं जिनमें कम से कम सामान चाहिए हो और वो जल्दी बन जाए। इसके लिए हम ऐसी रेडी टू कुक सामग्री का सर्वे करेंगे जो सिर्फ एक केटल या सिर्फ एक राइस कुकर में बन सकती हो। कुकिंग गैस, इंडक्शन, माइक्रोवेव ओवन, ओटीजी या एयर फ्रायर से तो आप बहुत कुछ बना सकते हैं, पर आज हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। रेडी टू कुक फूड को आप 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहले तो ऐसे रेडी टू कुक फूड हैं जिन्हें बनाने के लिए आपको सिर्फ पानी उबालने की जरूरत होगी। इसके लिए आपको सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल केटल चाहिएगा जो 400 रुपए से 1500 रुपए तक आ जाता है। कुछ हॉस्टलर्स तो जो पानी गर्म करने की छोटी हीटिंग रॉड आती है उसको भी काम में लेते हैं, पर ये तरीका ठीक नहीं है। केटल में पानी उबाल कर आप सबसे आसानी से जो बना सकते हैं वो चाय या कॉफी है। अगर आप बिना चीनी की ब्लैक टी पसंद करते हैं तो ये काम ऐसे टी बैग्स आसानी से कर सकते हैं, पर अगर आपको दूध और चीनी की चाय ही पसंद है तो आपको चाहिएगा 3-in-1 प्रीमिक्स जिसमें चाय, चीनी और दूध सब मिले होते हैं और जिसके पाउच कप या गिलास में डालकर उबलता पानी डालने के बाद छानने की भी जरूरत नहीं होती है। और ऐसे पाउच के फ्लेवर अदरक, लेमन ग्रास, इलायची मसाला, केसर जैसे कई फ्लेवर्स में ये आते हैं और ये बिना चीनी के भी आते हैं। इसी तरह से कॉफ़ी का भी 3-in-1 या सिर्फ दूध या कॉफ़ी के पाउच भी उपलब्ध हैं। अगर आप चाहें तो दूध, कॉफ़ी और चीनी के अलग अलग पाउच ले सकते हैं जो इस तरह के आते हैं पाउच में, ये हैं। और इस तरह से दूध पाउडर भी आता है, शुगर के पाउच भी आते हैं और ये शुगर फ्री भी आती है, तो इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस इसमें आपको सिर्फ पानी उबालने का जरूरत पड़ती है, पानी उबालने की, और आप इससे कॉफ़ी चाय बना सकते हैं। इसके अलावा केटल में पानी उबालकर आप पोहे भी बना सकते हैं, जिसके लिए इस तरह के रेडी टू कुक पाउच आते हैं जिसमें मूंगफली, किशमिश, मिर्च, मसाले वगैरह सब तैयार ही रहता है। इसे बनाने के लिए उबला पानी डालकर बस 3 मिनट इंतज़ार करना पड़ता है, पर जो पाउच में लिखा है 3 मिनट से आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा, 7 मिनट में ये बिल्कुल खिला खिला पोहा बनेगा और ये प्लेन और खट्टा मीठा 2 फ्लेवर्स में आता है। पोहे के अलावा उपमा के भी रेडी टू कुक पाउच आते हैं, इसे भी पोहे की तरह ही तैयार किया जाता है। ये है मैजिक मसाला उपमा और दूसरा है वेजिटेबल उपमा। इसके अलावा ओट्स के पाउच भी इसी तरह के आते हैं, अभी वो मेरे पास नहीं है। ये दाल ओट्स का पैकेट है जिसमें कि सिर्फ उबलता पानी डालने से ही तैयार हो जाता है। इसके अलावा इसमें नमकीन, मीठे ओट्स के भी पाउच आते हैं जिनमें सिर्फ उबलते पानी की जरूरत पड़ती है और जो मीठा होता है उसमें दूध डालने की जरूरत पड़ती है। उसमें अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं, स्ट्रॉबेरी आता है, वनीला आता है, बहुत तरह के फ्लेवर्स आते हैं ओट्स में भी, और वो बहुत अच्छा खीर की तरह लगता है, टेस्ट में बहुत टेस्टी लगता है। और अगर आप कुछ मीठा खाना चाहते हो तो एक ये केसरी हलवा भी है। और एक और चीज है जो आप गर्म पानी में बना सकते हैं वो है तरह तरह के सूप। इस तरह के सूप पाउचेस की तो बाजार में भरमार है और आजकल रेस्टोरेंट से लेके स्ट्रीट फूड तैयार करने वाले भी इस सब सूप का यूज कर रहे हैं। अगर आप दूध के शौकीन हैं पर कमरे में फ्रिज ना होने या दूध लाने के झंझट के कारण दूध मिस करते हैं, तो आपके लिए हल्दी वाले दूध के पाउच हैं जिसमें सिर्फ गर्म पानी डालना होगा। ये इस तरह से आते हैं
यो तो आप बनी बनाई सब्जियां या दालें जो पाउच में पैक होकर आती हैं उनको भी कैटल में गर्म कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको जो रोटी चाहिएगी उन्हें गर्म करने में आपको परेशानी आएगी। दूसरी कैटेगरी के रेडी टू कुक फूड वो हैं जिसमें किसी खाने को थोड़ी देर उबालना भी होगा और इसके लिए आप कैटल भी काम ले सकते हैं, पर इससे कैटल के गंदे हो जाने और इसे साफ करने की जरूरत होती है। इससे बेहतर यह होगा कि आप राइस कुकर या इंडक्शन कुक टॉप काम लें। फिर भी आप कैटल में ही काम करना चाहें तो ऐसा कैटल चुनें जिसकी कैटल हीटिंग बेस से अलग हो जाती हो और जिसका ढक्कन थोड़ा चौड़ा और अलग हो जाता हो। आप पाएंगे कि पॉट में ऑन ऑफ स्विच, थर्मोस्टेट या कोयल लगे होने से इसे धोना खतरनाक हो सकता है, इसलिए इसे सिर्फ साफ पानी उबालने तक ही काम लेना चाहिए। कुछ देर तक उबालने वाली कुछ रेसिपीज से तो आप परिचित होंगे और उनमें है नूडल्स या मैगी बहुत पॉपुलर है। ये पास्ता के पैकेट हैं जो थोड़ी देर पानी में उबालने पे तैयार हो जाते हैं। अगर आप मीठा खाना चाहते हैं तो वर्मीसिली पायसम, पर इसे आपको दूध में उबालना होगा, ये पानी में नहीं बनेगा, दूध में उबालना होगा खीर की तरह। इसके अलावा आप रेडी टू कुक बिरयानी भी काम ले सकते हैं जो 3 मिनट उबालने पर तैयार हो जाती है। साथ ही कुछ और भी पाउच भी आते हैं जो सिर्फ 2 से 5 मिनट पानी उबालने पर तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा रेडी टू कुक फूड की तीसरी कैटेगरी वो है जिसे तैयार करने में थोड़ी ज़्यादा सामग्री और बर्तन और समय की ज़रूरत होती है। ऐसे फूड ये हैं मेदू बड़ा, सांभर मिक्स, ये रसम, 2 तरह के गार्लिक और पेपर ढोकले हैं, खट्टा और ये खमंड, और ये खट्टा ढोकला, खमंड ढोकला और ये प्लेन ढोकला। इसके अलावा गुलाब जामुन मिक्स, जलेबी मिक्स, डोसा मिक्स और कई तरह के मिक्स आ रहे हैं जो इसमें आपको अलग से तैयार करना पड़ेगा, और इनको तैयार करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा डिशेज भी तैयार करनी पड़ती हैं। मैं आगे के वीडियोस में रेडी टू कुक पाउचेस की मदद से कुछ आसान रेसिपीज लेकर आऊँगी, इसलिए देखते रहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब ना किया तो ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें कि आगे मैं जो भी रेसिपीज या वीडियोज़ या अनबॉक्सिंग लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।